वैसे तो भारत सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है, फिर भी देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकतर लड़कियां 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं कर पाती। एजुकेट गर्ल्स समुदायों और स्कूलों की लड़कियों को पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करता है। स्कूल बहुत दूर था। ये लड़की एक पहाड़ उतरकर दूसरा चढ़ती, फिर अपनी माँ को आवाज लगाती और उसकी बाद उसकी माँ चिल्लाकर जवाब देती, और ये सिलसिला हर 20 मिनट में दोहराया जाता ताकि उसकी माँ को पता लगता रहे कि उसकी बेटी सही सलामत स्कूल पहुँच रही है। मैं जब भी उसके बारे में सोचती थी तो मुझे रोना आता था, क्योंकि हर रोज उसे स्कूल जाने के लिए 1 घंटे तक पहाड़ों पर चढ़ना उतरना होता था। ये मेरे लिए बहुत अविश्वसनीय बात थी कि कोई लड़की शिक्षा के लिए, जिसे हम लोग इतने हल्के में लेते हैं, इतना त्याग कर सकती है। भारत में स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर लड़कियों के बाल विवाह, यौन शोषण और अन्य किस्म की महिला उत्पीड़ता की संख्या भी सबसे ज्यादा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हम एक बकरी को संपत्ति मानते हैं और लड़की को बोझ। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के रूप में, गवर्नमेंट तो चाहती है कि 100% एनरोलमेंट हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। क्यों लगता है? क्योंकि जो लड़की होती है वो एक राजस्थान में बेसिकली माना जाता है कि लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है, पर ये भी देखा जाता है कि लड़कियों को हम पढ़ाए नहीं, लड़कों को हम स्कूल में भेज दें। नमस्ते आंटी जी। मैं सबसे पहले ऐसे महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके समस्या को हल करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि ग्रामीण, आदिवासी, दूरदराज के क्षेत्र, जहाँ लड़कियों के हालात अन्य जगहों के मुकाबले बहुत खराब हैं, और मैं इन गांवों में हर उस लड़की को खोज रही हूँ जो स्कूल नहीं जाती। मतलब आपकी जो बच्ची है ना, बालिका शिक्षा पे हम जो काम कर रहे हैं, तीनों की तीनों लड़कियाँ हैं, जो कि मैं अभी अध्यापक ने बताया कि क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट। ये सारा काम हम सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा करते हैं, जिन्हें हम टीम बालिका कहते हैं। ये नौजवानों की ऐसी टोली है जो शिक्षित हैं, जोश से भरे हैं और परिवर्तन लाना चाहते हैं। दो ये थी और दो वो थी। ये लड़कियों की शिक्षा के लिए चैंपियंस की एक सेना का निर्माण कर रहे हैं, और क्योंकि सारा मामला लैंगिक भेदभाव की सोच से जुड़ा है, तो इससे लड़ने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। स्कूल में नहीं थी तब तक घर पर काम करती थी, सोचा था कि मैं विद्यालय पढ़ूंगी, मैं सब कुछ पढ़ी हूँ, डिग्री भी हूँ, यहाँ सभी सुविधाएं हैं। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है और काफी हद तक उन संसाधनों पर भी निर्भर है जो माता पिता, स्कूल प्रबंधन समिति और शिक्षक प्रशिक्षण या ग्राम सभाओं के साथ काम कर रहे हैं, पर जिनका पूर्ण दोहन नहीं हो सका है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम आप ग्राउंड लेवल पर हमारे से जुड़े। ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम हमारी एजुकेशन गर्ल्स को लेकर आ रही है, उस में आप हमारे से हमारी मदद के लिए आप जुड़े। जैसे कि मैंने कहा 4 दूनी कितने होते हैं, तो अपन क्या करेंगे स्टार्टिंग में। तो अब हम शिक्षा की गुणवत्ता और उसके परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैं वास्तव में बहुत आशावादी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इन मुद्दों पर बात करने का समय है। अगर यही बात मैं 20 साल पहले कर रही होती तो पहले तो मुझे आपको लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में समझाना पड़ता, लेकिन अब बातचीत का माहौल बन चुका है और ये मिशन गति पर है। अपने पहले जिले में एजुकेट गर्ल्स ने 55,000 से अधिक लड़कियों का दाखिला करवाया और 93% तक लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट को रोका है। 2018 तक एजुकेट गर्ल्स भारत के पिछड़े समुदायों के करीब 40 लाख छात्राओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। मैं पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहती हूँ, और जैसे कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ऐसा कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं देश के लिए सेवा करना चाहती हूँ। मैं आगे जाके टीचर बनना चाहती हूँ, लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं भी दूसरी लड़की को, हमारे गाँव में लड़कियाँ हैं, उनको ऐसे बोलना चाहती हूँ, तुम भी पढ़ो।
आज तक एक भी लड़की ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, कि मैं घर पर बैठना चाहती हूँ या मैं सिर्फ भेड़ बकरियों को संभालना चाहती हूँ। हर वो लड़की जिससे मैं मिली हूँ स्कूल जाना चाहती है और ये मेरे लिए उम्मीद का सबसे बड़ा स्रोत है। एजुकेट गर्ल से सफीना हुसैन। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ, एक नव युवती की जिसका नाम पद्मा है। वो 22 साल की है, उसके पास डिग्री है और संभवतः वो अपने गांव की सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति है। लेकिन ये सब पद्मा के लिए इतनी आसानी से नहीं हुआ। उसकी 13 साल की उम्र में शादी कर दी गई और फिर उसने ससुराल में 2 साल तक शोषण, दुख और अपमान सहा। आखिरकार वो अपने ससुराल से भागकर अपने माता पिता के पास आ गई, पर इस बात से उसके ससुराल वालों के अहम को इतनी ठेस पहुंची कि वो पद्मा के परिवार को मारने पीटने आ गए। शुक्र है कि उसके पिता ने उसका साथ दिया। वो अब घर पर रहती है, उसने अपना स्कूल पूरा किया और डिग्री भी हासिल की। इस दौरान एजुकेट गर्ल्स के एक सदस्य ने पद्मा से मुलाकात की और उसे समझाया कि वो अपना समय और हुनर अन्य लड़कियों को भी वापस स्कूल भेजने में लगाए। ये मकसद पद्मा के दिल के करीब है। तो आज पद्मा अपने गांव में हर उस लड़की का पता लगाती है जो स्कूल नहीं जाती और वो हर घर जाकर परिवार वालों से मिलती है, बात करती है, उन्हें समझाती है कि वे अपनी बच्ची को स्कूल भेजें। पद्मा गांव के नेतृत्व के साथ काम करती है ताकि वे स्कूल का नियंत्रण अपने हाथ में रख सके और लड़कियों की बुनियादी सहूलियत को सुनिश्चित करा सके। अंत में वो सरकारी स्कूल प्रणाली में आकर लड़कियों को पढ़ाती है, रचनात्मक शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल करती है और उन्हें जीवन कौशल की विद्या भी देती है। पद्मा एजुकेट गर्ल्स की टीम बालिका सदस्य है, एक सामुदायिक स्वयंसेविका है जो गांव की लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में बदलाव ला रही है। अब आप 4,600 और पद्मा जैसे युवाओं की कल्पना कीजिए। वे गांव स्तर पर काम करने वाले पढ़े लिखे और जोश से भरे नौजवान हैं। ये गहरी जड़ें जमा चुके मुद्दों को चुनौती दे रहे हैं, जैसे पितृसत्ता, लिंग असमानता और बाल विवाह। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, एक विवेकशील व्यक्ति अपने आप को माहौल के हिसाब से ढालता है और एक अविवेकशील दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। इसीलिए इस दुनिया में होने वाली हर प्रगति अविवेकशील आदमी पर निर्भर करती है। तो एजुकेट गर्ल्स में पद्मा और उसके जैसे जोश से भरे 4,600 युवक शिक्षा से लड़कियों के बहिष्कार के सवाल को उठाते हैं और लगातार परिवर्तन लाने को अग्रसर हैं और ये आगे चलकर इस दुनिया में बड़ा बदलाव लाने में सक्षम होंगे। अब कोई भी सूचक लें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, स्वच्छता, पोषण, जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार या चाहे वो जलवायु से जुड़ा हो, लड़की की शिक्षा से उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं यहां हूं क्योंकि इन 4,600 टीम बालिका ने 80,000 लड़कियों को स्कूल से जोड़ने में मदद की है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो इन्होंने 13 लाख से अधिक बच्चों के साथ काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 4,600 गांव लड़कियों के शिक्षित होने के फायदों के बारे में आश्वस्त हैं।
हमारा एक सरल सा लक्ष्य है, हम वर्ष 2018 तक तकरीबन 15,000 टीम बालिका सदस्यों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। ये भारत के सबसे पिछड़े समुदायों में रहने वाले तकरीबन 40 लाख बच्चों को शिक्षित करेंगे। और ये स्कूल पुरस्कार पद्मा और पद्मा जैसे टीम बालिकाओं की शक्ति को बढ़ाएगी ताकि वो अपनी जैसी और लड़कियों की जिंदगियों में बदलाव ला सके। मैं हूँ सफीना हुसैन एंड आई एजुकेट गर्ल्स। धन्यवाद।